जिनके पास Realme का XT है ना, वो भर भर के Realme को खरी खोटी सुना रहे होंगे। वो ये सोच रहे होंगे कि यार 16,000 रुपए में हमने Realme का XT क्यों ले लिया, क्योंकि अब तो 17,000 रुपए में Realme का X2 आ चुका है। बहुत सारे लोग विचार बना रहे होंगे कि यार अब हमें Realme का XT लेना चाहिए, Realme का X2 लेना चाहिए या Redmi के K30 का वेट करना चाहिए। जिन लोगों के पास Realme का ये वाला चिकना वाला फोन है, मतलब Realme का XT, वो ये भी सोच रहे होंगे कि यार क्या हमने ये फोन लेकर गलती कर दी और ये फोन बेचना चाहिए कि नहीं बेचना चाहिए। आज मैं आपको सब कुछ विधिवत तरीके से बताऊंगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि यार यदि आपको नया वाला फोन चाहिए तो आपको कौन सा फोन लेना चाहिए, और यदि आपके पास पुराना वाला XT है तो क्या ये फोन आपको यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से बिल्कुल सेम ये फोन देखने में लगते हैं। मेरे पास जो XT है वो है ब्लू कलर और जो X2 है ये है ग्रीन कलर। दोनों फोन देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, साथ में दोनों ही फोन में आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है। चलो यहां पर भी Realme ने कोई भी कटौती नहीं करी। साथ में एक चीज आपको और क्लियर कर दूं, Realme के X2 में आपको बैटरी तो बिल्कुल सेम मिलती है 4000 mAh की जो आपको यहां पर मिलती है Realme के XT में, लेकिन 30W का जो चार्जर है ना, वूक चार्जर, वो आपके X2 को फटाफट चार्ज कर देगा। मतलब यार यदि आप ये वाला फोन लेते हैं तो एक तो आपको वूक चार्जर मिल जाता है 30W का, और आपका फोन लमसम 75-80 मिनट पे फुल टू चार्ज हो जाएगा। लेकिन यदि आपके पास XT है ना, तो यार वहां पर भी वूक चार्जर मिलता है। अब यार थोड़ी देर आप ज्यादा ही लगा लेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। पीछे की तरफ इन दोनों ही फोन में आपको सेम कैमरा मिलता है, 64+8+2+2 मेगापिक्सल का। जो 64 मेगापिक्सल वाला सेंसर है वो है सोनी का नहीं, सैमसंग का GW1 सेंसर। यदि आप 64 मेगापिक्सल वाली फोटो देखते हैं तो यहां पर भी आपको कोई भी अंतर देखने को नहीं मिलेगा। थोड़ा सा आपको कलर, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, आपको Realme के X2 में अच्छा सा देखने को मिल जाएगा, लेकिन ज्यादा अंतर है ही नहीं पीछे वाले कैमरे में। चाहे आप माइक्रो शॉट्स देखें, चाहे आप यहां पर अल्ट्रा वाइड वाले शॉट्स देखें, बस आपको जो अंतर देखने को मिलेगा वो मिलेगा सेल्फी कैमरे में। यदि आप सेल्फी कैमरे की इमेज देखते हैं तो यहां पर जो X2 की इमेज है ना, आपको जो कलर टोन देखने को मिलेंगे वो थोड़े से ज्यादा अच्छे देखने को मिल जाएंगे। मुझे लग रहा है यार ये जो व्हाइट वाली चीजें है ना, ये Realme को फिक्स करना चाहिए, कभी कभी हमारी फोटो अच्छी नहीं आती है। अभी जो आपको वीडियो दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है Realme के XT से, जहां पर आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है, और जो मेरी आपको आवाज सुनाई दे रही है वो भी इसी के इंटरनल माइक से। और अब चलते हैं 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरे की तरफ, और ये है Realme का X2, और इस फोन का जो प्राइस है वो केवल Realme के XT से 1000 रुपए ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर जो आपको कलर टोन देखने को मिल रहा है वो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है, और जो XT का कलर टोन है वो थोड़ा सा वाइट दिख रहा है। अब आप मुझे बताइए कि यार आपको कौन सा वीडियो ज्यादा अच्छा लग रहा है, Realme XT का या Realme के X2 का? यदि ये फोटो आप Instagram, Twitter, Facebook कहीं भी पोस्ट करेंगे ना, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सेल्फी कैमरा आपको 1000 रुपए में ज्यादा अच्छा मिल जाता है, और इन दोनों ही फोन में आपको कैमरा टू API इनेबल मिलता है। मतलब यार आप गूगल वाला कैमरा भी इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन यार जो Redmi का K30 है ना, यहां पर आपको डिस्प्ले अच्छी मिल जाती है 120Hz की, बट यार सुपर एमोलेड वाली डिस्प्ले नहीं है। साइड में आपको वही फिंगरप्रिंट मिलेगा, मतलब साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिलेगा, और आपको इन दोनों ही फोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिलता है। यार Redmi के K30 में ना जो बैक में कैमरा मिलता है, कैमरे में जो 64 मेगापिक्सल वाला सेंसर है वो है सोनी का IMX686। तो मेरे हिसाब से जो सोनी का सेंसर है ना, यहां पर आपको थोड़ी सी अच्छी डिटेल देखने को मिल जाएगी जब भी आप फोटो को जूम करेंगे। उसके साथ साथ आगे की तरफ आपको 20+2 मेगापिक्सल का सेंसर मिल जाएगा, यहां पर भी काम चल जाएगा। लेकिन यार जो प्रोसेसर मिलता है यहीं पे सबसे बड़ा घपला है। आपको Realme के X2 में Snapdragon का 730G मिल जाता है, ये गेमिंग वाला प्रोसेसर है, और यहां पर जो आपको GPU मिलता है वो मिलता है Adreno का 618। यदि आप लेते हैं Realme का XT आज की डेट में, तो यार यहां पर आपको
पुराना वाला प्रोसेसर मिलता है जो आपको Realme के 5 Pro में देखने को मिल जाता है, Vivo के Z1 Pro में भी देखने को मिल जाता है, और भी बहुत सारे डिवाइस हैं। तो भैया ये जो प्रोसेसर है ये भी अच्छा है। यहाँ पर आपको जो GPU मिलता है वो मिलता है Adreno का 616, और यदि आप अंतुतु बेंचमार्क स्कोर देखते हैं तो यार यहाँ पर आपको काफी अंतर देखने को मिलेगा। यदि आप जाते हैं Realme के X2 में तो यहाँ पर आपको 265,925 का स्कोर मिल जाता है, और यदि आप लेते हैं Realme का XT तो यहाँ पर आपको मिल जाता है 197,096। मतलब यार अंतुतु बेंचमार्क स्कोर में ना जो फोन विनर है वो है Realme का X2। यार मैं इतना ही कह सकता हूं जो Realme के X2 की परफॉर्मेंस है वो आपको काफी अच्छी मिल जाएगी। यदि आप PUBG खेलते हैं तो आपके लिए एक चीज मैं बता दूं, इन दोनों ही फोन से आप HD सेटिंग में ही PUBG खेल सकते हैं, वो भी हाई ग्राफिक्स में। यदि आपको HDR सेटिंग में PUBG खेलना है ना तो आपको यार जाना चाहिए Redmi के Note 8 Pro में। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना दिया है, ऊपर कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि यार ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, जो अंतर है वो है सेल्फी कैमरे में, प्रोसेसर में, और साथ में 30W के वूक चार्जर में, और फोटो में भी आपको बहुत बड़ा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। जिन लोगों के पास Realme XT है वो बिंदास यूज करिए, जिन लोगों को नया वाला फोन चाहिए तो यार वो तो Realme का X2 ले लें। कुछ दिनों में ना Realme के XT का प्राइस पक्का ड्रॉप होगा, क्योंकि यार अब ये फोन थोड़ा सा पुराना हो चुका है। यही एक ऐसा रीजन है जिस वजह से Realme के X2 का जो प्राइस रखा गया है वो रखा गया है 17,000 रुपए, क्योंकि बहुत ही जल्दी Redmi का K30 भी इंडिया में लॉन्च होने वाला है। K30 को जो फोन बीट करेगा वो बीट करेगा ये वाला फोन Realme का X2, क्योंकि यार यहां पर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है। और जो लोग थोड़ा सा वेट करना चाहते हैं तो यार मेरे हिसाब से ना जो Redmi का K30 और K30 5G वेरिएंट आने वाला है ना, क्या पता उस फोनों का प्राइस सही हो जाए। अब देखते हैं यार आगे आने वाले टाइम में क्या कुछ होने वाला है, जो कुछ होगा ना मैं आपको इसी चैनल में बताऊंगा। और आज का वीडियो यदि आपके मतलब का हो ना तो प्लीज यार इस चैनल को सब्सक्राइब और साथ में शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक यार आपको वीडियो नहीं मिलेगा, और आपको वीडियो नहीं मिलेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। और एक बार यार इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।